कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का सेकंड T20 मैच, इसका प्रीव्यू करेंगे। प्लेइंग 11 पाकिस्तान की आ चुकी हुई है, पहले किसी के साथ साथ बात करेंगे। RCB रॉयल चैलेंजर बैंगलोर IPL की सबसे पॉपुलर टीम, अगर मैं कहूँ पूरी दुनिया में फ्रेंचाइज क्रिकेट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर टीम कौन थी, तो वो RCB ही है। आज उन्होंने की अपनी जर्सी की अनबॉक्सिंग, जर्सी का मैंने देख लिया और मैं इसका रिव्यू आपके साथ आगे जाकर शेयर करूंगा, तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, दिस इज वलीद, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की T20 सीरीज। पहला मैच हम हार गए थे लेकिन आज है सेकंड T20 और कल रात को होगा थर्ड T20। अगर आज पाकिस्तान जीतेगा तो कल वाला जो मैच होगा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, फाइनल फिनाले बन जाएगा, डिसाइडेड हो जाएगा। लेकिन अगर आज पाकिस्तान हार गया तो उसका मतलब है सीरीज तो आप गई गए, फिर आप तैयारियां करें व्हाइट वॉश होने की अफगानिस्तान का, तो वो भी। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, तो ये जो अच्छी पॉजिटिव साइन पाकिस्तान का नजर आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान की जो टीम है ना वो 6 से 7 घंटे पहले ही बता देती है कि हमने प्लेइंग 11 क्या खिलाने। फिर क्या होता है, फिर उसके खिलाफ जो अफगानिस्तान की टीम होती है ना वो प्रैक्टिस करके आती है, वो उनके पूरा प्रॉपर जैसे कहते हैं ना होमवर्क करके आते हैं, और शायद यही वजह से वो पिछला मैच जीत गए थे। लेकिन बात करें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, तो सैम अयूब और हारिस ओपनर करेंगे, इसी के साथ नंबर 9 पे आएंगे अब्दुल्ला शफीक, नंबर 4 पे तैयब ताहिर, नंबर 5 के ऊपर आजम खान, नंबर 5 के ऊपर आजम खान, नंबर 6 के ऊपर इमाद वसीम, नंबर 7 के ऊपर शादाब खान, नंबर 8 के ऊपर आपके नसीम शाह, एहसानुल्लाह खान, जमान खान और मोहम्मद नवाज को शामिल किया गया फहीम अशरफ की जगह। जी हाँ, मोहम्मद नवाज टीम में शामिल है, सिर्फ और सिर्फ एक चेंज है, पाकिस्तान का स्पिनर को ऐड किया, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को बाहर किया, जो मैं समझता हूँ कि उसको नहीं करना चाहिए था, उसने PSL में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन जो होना था वो हो गया। आज का मैच पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत जरूरी है, अगर आज का पाकिस्तान मैच हार गया तो बड़ा जैसे कहते हैं ना इंटरनेशनल बदनामी होगी। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान आज का मैच जीते, और पाकिस्तान की टीम अच्छी है, इतनी भी बुरी नहीं है, हमने देख लिया अफगानिस्तान की टीम ने, उन्होंने भी 18वें ओवर में जाकर चेस किया था, लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो उनकी फील्डिंग बड़ी गंदी है। पाकिस्तान को बस बैटिंग अच्छी करनी है, पाकिस्तान आज का मैच जीत जाएगा, मुझे लग रहा है आज का मैच पाकिस्तान जीत जाएगा। बात करें RCB की, आज था 26 मार्च, तो आज की थी चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर RCB की अनबॉक्सिंग। RCB की किट मैंने देख ली है, जबरदस्त किस्म की किट है, मैं सच्ची बताऊंगा जबरदस्त किस्म की किट है, और मुझे RCB की 2015 से लेके अभी तक सारी की जर्सी बहुत पसंद आती हैं। जब से इन्होंने रेड और ब्लैक की थीम की है ना, ये जो है ना ये हमेशा इनकी सबसे प्यारी जर्सी मुझे इनकी लगती है, ये बहुत प्यारा कलर यूज करते हैं, और जब ये जो ग्रीन डे करते हैं, प्लांटेशन का डे करते हैं, उसके अंदर ये लोग ग्रीन कलर लेकर आते हैं, ग्रीन और ब्लैक, तो वो तो मुझे और प्यारा लगता है। लेकिन RCB की जर्सी मेरी हमेशा से फेवरेट है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं RCB का, हमेशा से फोकस रहा है कि क्वालिटी अच्छी रखनी है इन्होंने, ये हमेशा क्वालिटी अच्छी रखते हैं, चाहे वो प्लेयर्स हम बड़े नाम लेंगे लेकर आएंगे, ब्रांड्स अच्छे लेकर आएंगे, इसी के साथ साथ जर्सी के मामले में भी हमेशा जैसे कहते हैं ना ध्यान रखते होते हैं। कतर एयरवेज का के ऊपर जैसे कहते हैं मेन स्पॉन्सर है, वो भी बड़ा सूट कर रहा है, और जो जर्सी की क्वालिटी होती है ना वो ये होती है कि आप जर्सी तो हर किसी की अच्छी होती है, आप स्पॉन्सर को कैसे आप उसको एडजस्ट करते हो जर्सी के ऊपर, तो इन्होंने स्पॉन्सर को बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट किया हुआ, और उनका लोगो जिसको कहते हैं ना विजिबल है। LSG लखनऊ सुपर जायंट की जब जर्सी रिवील हुई ना, उनको तो लोगो ही नहीं नजर आ रहा था, इतना बड़ी जो उनकी मिस्टेक थी जर्सी की, हालांकि जर्सी प्यारी थी लेकिन उसका लोगो नजर नहीं आ रहा था। लेकिन RCB का हमेशा से एक एक चीज परफेक्ट रही है, और विराट कोहली और फैब डू प्लेसी के ऊपर तो ये जर्सी कुछ ज्यादा ही सूट कर रही है, विराट कोहली बहुत प्यारे लग रहे हैं, और चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर ये जर्सी का लॉन्च हुआ है, जबरदस्त किस्म की मुझे जर्सी लगी है, मेरी तरफ से 10 में से 9 नंबर मैं इस जर्सी को दूंगा, मुझे बहुत प्यारी लगी है। लेकिन इससे भी पहले वाली जो जर्सी थी ना कि 2016 की और 2017 की, वो भी बड़ी प्यारी जर्सी थी, वो भी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन फिलहाल ये जर्सी अच्छी लगी है मुझे। आके मैं जाके आगे वाली वीडियोस के अंदर जाके मैं आपको सारी टीम्स की जर्सी का रिव्यू कर दूंगा कि मेरी नजर में टॉप 5 जर्सीज कौन थी, लेकिन फिलहाल मुझे RCB की जर्सी 10 में से 9 नंबर में दूंगा। आपको कैसी लगी आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है, मुझे बड़ी पसंद आई है। इंशाल्लाह से थोड़ी देर बाद दोबारा आते रहेंगे मैच के दौरान, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।